नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवान सिंह और आप देख रहे हैं लिमिटलेस गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो आपके लिए 2021 में लकी साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्लांट है वो है हिबिस्कस का, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हिबिस्कस रोसा सिनेसिस। तो इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत सारे मल्टी पैटर्न में भी आता है, अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हमारे पास भी हिबिस्कस का प्लांट हाइब्रिड वाला सॉरी। और ये तो बहुत छोटा सा, इसमें कली भी आ रही है जो एक दो दिन में खिल जाएगी, और ये भी कलियाँ आ रही दो तीन अंदर। ये देखिए आप, ये देखिए। तो ये हिबिस्कस का पौधा बहुत लक्की साबित होएगा आपके लिए 2021 में। दोस्तों, हमारा जो तो सेकंड प्लांट है वो है जेड प्लांट। ये छोटी पत्तियों वाली वैरायटी है, तो और इसका साइंटिफिक नेम है पॉडजुलेक्रिया एफ्रा। इसकी एक और वैरायटी आती है जिसमें इतनी लंबी पत्तियां होती है, और उसका उसका साइंटिफिक नेम होता है क्रेसुला ओवाटा। तो आप उसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास वो नहीं है इसलिए हम आपको उसकी बस इमेज दिखा रहे हैं। तो ये जेड प्लांट भी लक्की, इसका दूसरा नाम लक्की प्लांट ही होता है, तो आप इसको जरूर लगाएं, बॉन्साई है। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, और ये आप जहाँ से इसको इसकी प्रूनिंग करेंगे वहाँ से इसमें डबल ब्रांच ब्रांच आ जाएगी। देखिए, हमने यहाँ से प्रूनिंग की थी, इसमें आ गई है डबल ब्रांच। ये देख आप देख सकते हैं, इधर भी हमने की थी, इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है। तो ये आपके लिए बहुत लक्की साबित हो सकता है, अब इसको भी लगाएं। तो दोस्तों, तो हमारा जो थर्ड प्लांट है वो तुलसी का। अभी तो हमारी तुलसी की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है इसके लीव्स पे, तो और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ऑकिमम टेन्यू फ्लोरम, ठीक है। इसको इंग्लिश में बेसिल, होली बेसिल कहते हैं। तो ये तो हिंदू रिलीजन में बहुत अच्छा होता है, ये बहुत सारे भगवान के लिए इसमें मतलब पूजा की जाती है, लोग इसकी पूजा करते हैं बहुत टाइम पे। तो ये भी लक्की प्लांट है 2021 के लिए, तो आप इसको भी अपने घर पे जरूर ग्रो करें। यू शुड मस्ट ग्रो दिस प्लांट एट योर होम। आप ये ब्लैक तुलसी की इमेज अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्लैक तुलसी भी बहुत अच्छी होती है, इसको वन तुलसी भी कहते हैं, बहुत अच्छी होती है वन। दोस्तों, हमारा जो फोर्थ प्लांट है वो अपराजिता का। हमारे पास उसके दो कलर्स हैं, एक तो ब्लू है, ये हमारा मल्टी पेटल है, अभी इसमें कली भी आ रही है, और है ये वाइट वाला, कलियाँ तो इस पर आ रही है, मैंने देखी थी लेकिन अभी तो ये रही इसमें एक कली। सुंदर का इसका सुंदर फ्लावर होता है बहुत ही। और इसका जो इंग्लिश नेम है वो है क्लिटोरिया, और जो साइंटिफिक नेम है वो है क्लिटोरिया टर्निटिया। तो हमें शुरुआत में तो सोचा था कि है ना, इसको पॉट में तो ये लग नहीं सकता, क्योंकि पॉट तो बहुत छोटा होता है इसकी ग्रोथ के लिए, कि वो इसकी जो वाइन होती है बहुत फैलती है। तो हमने इसको बड़े बड़े कंटेनर्स में लगाया है, ये हमारा 10 से 15 लीटर का है, वो भी 10 से 15 लीटर की है। और मन पता चला कि इसकी रूट्स थोड़ी कम होती है, तो आप अगर 12 इंच पॉट को आधा भी भरेंगे तो भी आराम से ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यू शुड मस्ट ग्रो दिस प्लांट एट योर होम। और फ्रेंड्स, ये पिंक वाला है हमारा प्रजिता, ये रेड वाला है, ये पर्पल और ब्लू है, और ये पूरी क्लिटोरिया वाइन है, इसके आप इमेज देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फिफ्थ प्लांट है वो है मनी प्लांट, इसको पोथोस भी कहते हैं। हमने इसको, इसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, हमने इसको वापस वाटर में डाला, सॉइल से निकाल के, तो इसमें रूट्स आ गई दोबारा। देख सकते हैं इसकी हालत, आपको देखने से लग रहा होगा इसकी हालत कैसी होगी होगी। और ये हमारा बिग लीफ वाला है मनी प्लांट, और ये स्मॉल लीफ वाला था, हमने पानी में डाला था, जिसमें भी एरियल रूट्स में ये थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है। ये तो बहुत कॉमन प्लांट है, तकरीबन सबके घर में होता है मनी प्लांट पोथोस, और उसका साइंटिफिक नेम है एपिप्रेमनम ऑरियम, ठीक है। आप भी इसको उगाना चाहिए, ये बहुत लकी प्लांट है 2021 के लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये हमारा तो नहीं है लेकिन उसका
अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बिग लीफ वाला मनी प्लांट है और ये भी एक मनी प्लांट की वैरायटी वाला बहुत बड़ी हो गई है। ये भी आप देख सकते हैं, ये होम पे है, ये तो हमारा ही है। और ये भी आप देख सकते हैं, ये मनी प्लांट अच्छा होता है ये प्लांट। तो दोस्तों हमारे पास कुछ प्लांट्स नहीं है जो हमारी लिस्ट में है, तो हम आपको उसकी उसकी फ़ोटो स्क्रीन पे दिखा देंगे और इस चीज़ के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो फ्रेंड्स हमारा जो सिक्स प्लांट है वो है बनाना का, और ये बहुत ही लक्की साबित होगा आपके लिए 2021 में, ये तो मेरा आपसे वादा है। और आजकल से ड्वार्फ वैरायटी भी आने लग गई है मार्केट में, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मूसा एक्यूमिनाटा। और ये जो प्लांट है ये लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड गणेशा का प्लांट है। सो फ्रेंड्स हाय सेवन प्लांट इस लक्की बैम्बू, और जो प्लांट होता है बहुत ही लक्की होता है 2021 के लिए, बहुत लक्की है। और ये ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करता है, और आप जो अपने राइट में प्लांट देख रहे हैं ये लेवल 7 का है, और इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ड्रेसिना सेंडरेनिया। तो दोस्तों हमारा जो 8 प्लांट है वो है थुजा का, और इसका जो दूसरा नाम है वो है विद्या। और ऐसे कहा जाता है कि आपको उसको अपने घर में 2 जोड़े लगाने चाहिए, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। और आप इसको बोनसाई के रूप में भी लगा सकते हैं, अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, और कटिंग से भी लगा सकते हैं। और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटिकेडस ओरिएंटलिस्ट। तो दोस्तों हमारा जो नया प्लांट है उसका नाम है पीस लिली, ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, और इसका जो फ्लावर रहता है वो है ना 1.5-2 महीने उससे भी ज़्यादा तक रहता है, जो कि किसी और प्लांट का फ्लावर नहीं रहता। और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है स्पैथीफाइलम। सो फ्रेंड्स हमारा जो 10th प्लांट है वो है शमीका, ये हिंदू रिलीजन में लोग अपने बहुत लगाते हैं, और उसकी जो लीव्स होती है ना वो एकदम टच मी नॉट जैसी लगती है, होती तो नहीं लेकिन लगती है। और ऐसा नहीं कि हिंदू लगा इसको कोई भी लगा सकता है। और है ना इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ये प्रोसोपिस सिनेरेरिया, तो आपको भी अपने घर में लगाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।